नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम सिंघाड़े के आटे के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। सिंघाड़ा का आटा लिया है एक कटोरी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं जितना आपको लड्डू बनाना हो। मखाना, बादाम, नारियल, काजू, किशमिश, किशमिश ये काली वाली ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये गुड़ महीन काट, थोड़ा थोड़ा इसको कूट लिया है अच्छे से बारीक। पिस्ता, चिरौंजी दाना और ये गुड़, हमें इन सब सामग्रियों को तलना है। जिनको नहीं तलना है उनको हम अलग कर दे रहे हैं। हमें पिस्ता नहीं तलना है और ये गुड़, इनको अलग कर देते हैं, बाकी इन सामग्रियों को तलना है। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए घी हमने डाल दिया है कढ़ाई में, हम गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, थोड़ा सा घी पिघल जाए, इसके बाद सारी सामग्रियों को इसमें तलेंगे। देखिए हमने इनको सबको तल लिया है अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस। ये मखाना जब इस तरीके से हाथ से दबने लगे, चूरा हो जाए जब तक इसको तलना है। और ये गोंद को भी हमने दिखाई दिया था किस तरीके से तलना है, ये देखिए ये भी अच्छे से वो हो रही है। और ये पिस्ते को इसको नहीं तलना होता है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको नहीं तला है। चलिए हम तीनों चीजों को पीस लेते हैं। ये पिस्ता को पीस लिया है, बिल्कुल महीन नहीं करा है इसको। और ये गोंद, गोंद को अच्छे से पीस लिया है, इसको बिल्कुल महीन करना होता है। ये मखाना, इसको भी अच्छे से पीस लिया है। ये गीला गीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको ज्यादा घी में तला था। अब हम सारे मसाले इसी में डाल देंगे। ये डालेंगे बादाम, चिरौंजी दाना, काजू। काजू को देखिए कैसे लाल हो गए, इतना ही इसको तलना होता है। किशमिश, किशमिश तो फूल गई थी आपने देखा था। ये नारियल, और इसमें डालेंगे सिंघाड़ा, सिंघाड़े से आटा जो हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब लास्ट में डालेंगे गुड़, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से क्योंकि इसका लड्डू बनाना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, हमने हाथ को अच्छे से धो लिया था, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें घी डालेंगे, घी को गर्म कर लिया है, ऐसे भी अच्छे से मिला लेंगे। गर्म गर्म नहीं है घी, घी थोड़ा सा ठंडा हो गया था। ये अच्छे से मिल चुका है। अब चलिए हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और अगर चाहें आप इसमें तो शुगर भी मिला सकते हैं, हम गुड़ का बना रहे हैं, गुड़ का ज्यादा टेस्टी लगता है लड्डू, इसलिए गुड़ का बनाते हैं। और घी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन घी का ही लड्डू बनाइए क्योंकि घी का ही अच्छा लगता है। देखिए एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे लड्डू बना करके रख लेंगे।